अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमदर्द के राहत शिकम का रिव्यू, और देख लेते हैं ये किस टाइप का सिरप है और इसकी रिटेल प्राइस वगैरह जान लेते हैं, फिर इसके फायदे भी जानेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं हमदर्द का राहत शिकम सिरप और 120 ml की ये पैकिंग है, और ये इस्तेमाल शुदा सिरप आपको दिखा रहा हूँ। सिर्फ इस वजह से, इसकी कीमत आप देख लें 80 रुपये, सिर्फ इस वजह से आपको ये इस्तेमाल शुदा दिखा रहा हूँ कि आपको पता लगे कि हम भी ये इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, हर्बल खुद पहले इस्तेमाल करते हैं, उसका रिज़ल्ट मिलता है तो फिर रिव्यू करते हैं। और ये आपको दिखा रहा हूँ, ये बस थोड़ी सी रह गई है और अंधेरे की वजह से थोड़ा सा इसमें ब्लैक शीशी है, इस वजह से मैं दिखा नहीं सकता आपको वैसे ही, और हिला के हर सिरप को यूज़ किया करें। ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये इस तरह का बहुत ही मज़ेदार सिरप है, ये काफ़ी अच्छा टेस्टी है। अब अगर राहत शिकम के फवायद की बात करते चलें, तो जैसे कि इसका नाम है राहत शिकम, सुकून के लिए ये बनाया गया, राहत देने के लिए राहत शिकम इसका नाम रखा गया है। तो इसके फवायद मैं आपको बताता चलूं कि ये गैस, बदहजमी, सीने की जलन, इसके लिए बड़ी मुफीद है ये। और इसके अलावा जो आंतों और मैदे की, ये जो जितने भी वजूहात हैं, आंतों की सोजिश या मैदे की डिस्टर्बेंस, ये सब कंट्रोल करता है। और इसके अलावा ये तेजाबी मादों को खारिज करता है, तेजाबियत हो जाती है उसको सही करता है, एसिडिटी को ठीक करता है। और उसके अलावा जो मतली कै वगैरह की सूरत हाल होती है, उसमें कुछ लोगों का ये होता है कि मुँह कड़वा हो रहा होता है, तो उसमें ये बहुत मुफीद है कि मुंह कड़वा नहीं होने देता, आपका मुंह का जो जायका है वो खुशगवार रखता है। और अगर मुंह का जायका कड़वा हो तो जाहिर सी बात है कि आपको ऑटोमेटिकली मतली या उकाई आ रही होती है या उल्टी आ रही होती है, तो ये मुंह का जायका ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि ये इसमें ये क्वालिटी है। ये मुँह का आपका जायका ठीक रखता है, अच्छा रखता है, और ये खुद भी काफ़ी टेस्टी सिरप है। और इसके साथ साथ ये खट्टी डकारों को भी ख़त्म करता है, यानी कि रमज़ान शरीफ का महीना अब तो ख़त्म हो गया है, तो जैसे कि रमज़ान शरीफ में काफ़ी लोग ओवरलोड हो जाते हैं, ओवरडोज कर लेते हैं अपने आप को, तो उससे ये होता है कि उनको वो जो मैदा होता है उनका एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, और स्टमक की डिस्टर्बेंस की वजह से उन्हें खट्टी डकारें आ रही होती हैं, उसे भी ये सेट रखता है। और इसका इस तरीका इस्तेमाल मैं आपको बताता चलता हूँ कि तरीका इस्तेमाल इस तरह है कि इसका 2 चाय के चम्मच दिन में 3 दफ़ा पीने हैं बड़े लोगों के लिए, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों को 1 चाय का चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाएं, और ये काफ़ी फायदेमंद सिरप है। और अगर व्यूअर्स आपने ये परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप ये डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मेरा नंबर भी शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, इसके अलावा भी जितने मसले मसाइल हैं आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको परहेज भी करना होगा, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ कि आप मसालेदार चीज़ों से परहेज रखें और चिकनाई से परहेज रखें, और हो सके तो वॉक भी किया करें। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको काफ़ी हद तक मेंटेन रखेंगी, आपका वेट एक जगह पे मेंटेन रहेगा, मतलब कि आपको मतलब वो नहीं हो जाएगा कि आप में मोटापा आ जाए, फजूल की चर्बी बढ़ गई है, या फिर पेट पे अपारा नहीं रहेगा, और इस तरह की सूरत हाल से आप बचे रहेंगे और काफ़ी बीमारियों से आप महफूज रहेंगे अगर मेरी बात पर अमल करेंगे। और इसके अलावा अगर व्यूअर्स आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर पहले से नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।